आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So question is, spinous seeds are option 1 naked and campylotropous, option 2 naked and anatropous, option 3 naked and orthotropous and option 4 covered and orthotropous. So यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि spinous seeds कैसे होते हैं, naked होते हैं या covered होते हैं, and अगर naked या covered जो भी होते हैं उनमें जो ovule है वो किस टाइप का होता है। तो अगर हम देखें, spinous belong करता है gymnosperms को, तो जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, दैट मींस सीड्स इसके नेकेड होंगे। अब हम ओव्यूल का देखें तो क्या होगा, सबसे पहले है कि हम देखते हैं तीन टाइप के जो इन्होंने बोले हैं यहाँ पे, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस, तो वो कैसे होते हैं। देखो, ये जो एनाट्रोपस है इसमें क्या है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये, एंड ये है चेलेजल एंड, तो ये कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है। माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे है, चेलेजल एंड यहाँ पे है, एंड माइक्रोपाइलर एंड नियर है टू द हाइलम, ठीक है। अगर हम ऑर्थोट्रोपस की बात करें तो ये है माइक्रोपाइलर एंड, एंड ये है चेलेजल एंड, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं ऑर्थोट्रोपस के केस में। एंड कंपाइलोट्रोपस के केस में देखें तो ये जो ओव्यूल है ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, सो दैट कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये नियर होता है टू द हाइलम। तो अगर हम देखें पाइनस सीड्स के केस में क्या होता है, ये ऑर्थोट्रोपस होते हैं, तो इसका मतलब ये नेकेड होते हैं एंड ऑर्थोट्रोपस होते हैं। तो नेकेड एंड ऑर्थोट्रोपस दिया है ऑप्शन 3 में, जो कि करेक्ट है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।